यहाँ पर एक समझ जो है या किसी भी बदलाव की सूरत में कुछ स्टेप्स। पहला स्टेप जो मैंने आप कहा कि आपने वो ज़मीन मेरे लिए तैयार की, कि आपने ये ज़मीन तैयार की कि नाटक से झिझक हो, वो हमारा पहला कदम। दूसरा कदम ये हुआ कि वो लगातार चलता रहा, तो दूसरी चेतना है कि माँ बाप में कि हाँ नाटक से मेरे बच्चे में विकास हुआ। अब हम तीसरे पड़ाव पर जहाँ ये होगा कि नहीं, नाटक से विकास ही नहीं होता, नाटक से मेरा बेटा जो है सम्मानीय रोटी खा सकता है। तो आज जो बताने की बात है वो हमें सारे के सारे जो समाज में प्रचलित जो जॉब्स हैं जिनको बताया जाता है उसमें जनता में एक डिमांड उसकी रखी गई और उसकी एक इमीडिएट उपयोगिता सिद्ध हुई। जैसे हम कहें डॉक्टर, हम कहें अकाउंटेंट, हम कहें ऑडिटर, हम ये जितने भी प्रोफेशन। लेकिन आप ये देखिए कि 21 साल 22 साल 23 साल कड़ी मेहनत करने के बाद यहाँ पर आपको रोजी मिलती है। हमें ये भी एक बताना है कि समाज में समाज अपनी उपयोगिता के हिसाब से हमें ढाल तो लेता है लेकिन हमारे नाटक की उपयोगिता के हिसाब से नहीं ढालता है। तो हमें सबसे पहले ये बताना है उनके सामने, छोटे छोटे उदाहरण उनके सामने ये रखने हैं कि कहाँ कहाँ हमने कितना कितना अपने आप में सर्वाइव किया है, ये तस्वीर उनके सामने रखनी है, माँ बाप के सामने भी और बच्चों के सामने भी, कि आप 21 साल 20 साल मेहनत किया है आपने, आपने एक समझ तैयार की है लेकिन नाटक की समझ आप में कितनी आई है। और नाटक में अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल हमें देते हो तो आपका यहाँ नाटक इस समाज में कहाँ कहाँ सा स्थान है जहाँ आप अपना सम्मानीय जीवन जी सकते हो नाटक की विधा से जुड़े। अच्छा, नाटक में भी आप देखिए हम बहुतायत एक्टिंग पे देते हैं। हमारे यहाँ जगह है लेखकों, हमारे यहाँ जगह है नाटक से झिझक टूटती है, ऐसे ही हमें कितने सारे रंगकर्मियों की ज़रूरत है जो दिल्ली के जाके हर स्कूल में ये बात समझा पाए। दूसरा हमारे पास माँ बाप या पेरेंट्स के साथ एक जगह है जहाँ हमारे रंगकर्मी काम कर सकते हैं, रंगकर्म की वो समझ तैयार करके। ठीक है, पर मैं बस यही जानना चाह रही थी कि वो तो देखिए आप भी कर रहे हैं तो वो स्ट्रगल से गुजर ही रहे होंगे, मैं कर रही हूँ या कोई भी करेगा बच्चों का थिएटर, पर ये ज़रूर है कि धीरे धीरे तो जो बदलाव आ रहा आ ही रहा है, पर हमारे यहाँ जब तक कि यही निष्कर्ष निकलता है कि जब तक सरकार इसको शिक्षा के साथ नहीं जुड़ेगी तब तक शायद अवसर ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई हमारा अगर थिएटर में रुचि है तो हमें बहुत बड़ी बड़ी जॉब मिल चाहिए कि गाड़ी भी लाओ और हमारा मकान भी हो। मेरा ये ज़रूर है कि अपनी इज्जतदार ज़िंदगी जी सकता है। मेरा यहाँ ये मानना है कि सरकार अपना काम करे और सरकार इस जिम्मेदारी को निभाए, उससे सरकार बच नहीं सकती। दूसरा मेरा अपना ये मानना है कि जब तक हम खुद अपने कन्विक्शन से नहीं कहेंगे, जैसे मैंने इस चीज़ को माना जब मैंने शुरुआत की तो मैं 24 घंटे दूसरा काम किया, मैंने 6 महीने नियोजित किया कि मैं हर रोज़ 1-1 घंटा पढ़ाता जाऊँगा। 3 साल के बाद ये हुआ कि मैं नाटक ही कर रहा हूँ। मैंने नाटक की अपनी कमाई से शुरू किया तो 500 रुपये से शुरू हुआ पर मत, और आज उसका एक अलग हिसाब है और मुझे लगता है कि मैं हिंदुस्तान का एक रंगकर्म भी ऐसा हूँ जो सबसे महंगा है और रंगकर्म पे उस हिसाब से काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक ये है कि क्या हम में विश्वास है, क्या हम कह सकते हैं। मैंने जब रंगकर्मी का आजीविका मॉड्यूल बनाया, मैंने स्टडी किया, थिएटर से आए हुए कलाकार, दिग्गज कलाकार जिनकी ओपिनियन TV पे आती है तो लोग उसको सराखों में मानते हैं, उन्होंने कहा कि मैं नाटक में इसलिए आया कि मेरा घर नहीं चलता। मैं एक चीज़ में ये देखता हूँ कि घर नहीं चलता तो आपने इतने दिन क्या भूखे बने थे, क्या आपका अभाव था। मैं आज ही मानता हूँ कि आज मेरे दाल रोटी रंगकर्म से आ रही है, मैं अपना जो रंगकर्म है उसको चलाता हूँ। एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन कहीं से ग्रांट प्राप्त नहीं करती, उसका सिद्धांत यह है कि जनता जो भी हमें देगी उस पर हम लेके काम करते रहेंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, कल को मेरी सीमा हो सकती है, मुझे लाखों चाहिए और मैं इन गरीब बच्चों के लिए नहीं कर पाऊँ, पर वो रंगकर्म की सीमा नहीं है। हमें ये समझना है
और मुझे अगर फिल्म में काम करना है तो मुझे ये नहीं कहना कि रंगकर्म से मेरी रोटी नहीं बन रही, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे आज ज़्यादा शोहरत की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं फिल्म कर रहा हूँ। तो हमारे जो ओपिनियन मेकर्स हैं, थिएटर के अपने ओपिनियन मेकर्स हैं, उनको ये बात अपने जीवन की सच्चाई साफ बतानी पड़ेगी। और इससे हम अभी जो हम कर रहे हैं, मैं अपना उदाहरण पेश करता हूँ और हमारा एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन कैसे चल रहा है बिना किसी सपोर्ट के, वो अपने आप में एक अध्ययन का विषय है कि हम इतने नाटक कैसे कर लेते हैं, कैसे जुड़ जाता है, कैसे समाज में अपने आप एक थिएटर निर्माण हो